हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में। आज हम बना रहे हैं डिनर, जिसमें रहेगा तरोई या फिर नेनुआ जिसको बोलते हैं, उसकी सब्जी और भिंडी का भुजिया या भिंडी फ्राई भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से भिंडी को हम धो करके कट कर लिए हैं। ये एक मीडियम साइज का प्याज है और 3-4 ग्रीन चिली है जिसको हम बीच से कट कर लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाही गर्म करके उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाले हैं और उसमें जीरा डाले हैं। अब हम इसमें भिंडी डालते हैं, थोड़ा सा ब्राउन हो गया, अब इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे और लगभग 3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। उसके बाद ही इसको ढकेंगे, नहीं तो फिर भिंडी बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। ढकने के बाद फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे, स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, एकदम से स्लो नहीं करना है इसको। अब इसको हम ढक करके फ्राई करेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं। प्याज और मिर्च जो कटा हुआ था हम उसको ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। इसको अब ढक देंगे हम और लगभग 1 या 2 मिनट के बाद हम इसको फिर से निकाल करके चला देंगे, नहीं तो फिर ये नीचे से जल जाएगा। इस तरह से इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये लगभग बन चुका है, बस थोड़ा सा और इसको डार्क करना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और हम फिर कढ़ाई में जीरा तेल डाल करके जीरा को डाले हैं। इसमें 1 रेड चिली डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन कूट करके डालेंगे। एकदम से सिंपल सब्जी है। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। ग्रीन चिली ऐड करेंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें नेनुआ या तरोई जो भी कहते हो उसको हम 1 इंच के लगभग हम काटे हैं। इस तरह से काट करके उसको हम डाल करके इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हाई कर लें थोड़ा सा। ये अभी देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट ये जब बन जाएगा तो बहुत थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए नमक या फिर आपको अंदाज है तो डालिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा कम जाइए, थोड़ा सा पक जाए उसके बाद डालना है। इसमें हल्दी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब इसको हम ढक देते हैं। इसमें पानी नहीं ऐड करना क्योंकि ये इसी के पानी से पकता है। ये पानी निकल चुका है इसका। इस तरह से इसको ढक करके ही बनाना रहता है। इसको 2-3 मिनट पे पलटना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर नीचे वाला एकदम पक जाएगा, ऊपर वाला उतना अच्छा से नहीं बन पाएगा।
तो इसको बीच बीच में पलटते रहना पड़ता है। ये धीरे धीरे पानी भी कम हो रहा है और ये पक रहा है। अगर नेनुआ आप थोड़ा सा बना रहे हैं तो पतला काटें, और ज़्यादा बनाने पे तो थोड़ा रफ काटने पे भी एकदम बन जाता है अच्छे से। अब इसको एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल भी रेडी है, एकदम से खाने के लिए एकदम रेडी तैयार है। इसको हम हटा लेते हैं। अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये सिंपल रोटी है जिसमें बटर लगाया हुआ है, और भिंडी का भुजिया, नेनुआ का वाह सब्जी और सलाद, बहुत ही टेस्टी और अच्छा।